हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट बुक पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंतजार की घड़ी आप खत्म हुई, हम आ गए हैं सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के। इसका एनालिसिस करेंगे हम। जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डाउट बुक में, पूरे 24 और 25 पूरे पूरे क्वेश्चन आपको, 24 से 25 क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुना अवार्ड से। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुना अवार्ड किसको दिया गया, तो रविंद्र जडेजा को दिया गया। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं, और जो महिला में दिया गया है तो पूनम यादव जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बजट डेफिसिट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका बजट का डेफिसिट पढ़ करके जाइएगा, घाटा पढ़ करके जाइएगा। अब क्वेश्चन ये नहीं क्लियर हुआ है कि रेवेन्यू डेफिसिट पूछा गया है कि अन्य डेफिसिट पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया, विराट कोहली। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही है इसके राइट आंसर। आपको मालूम होगा कि आईसीसी से संबंधित अधिकांश अवार्ड विराट कोहली ही ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया दीपा मलिक को। तो आपको मालूम होगा कि राजीव गांधी क्रिकेट का, ठीक सॉरी क्रिकेट कह रहा हूं, पूरे खेल का सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है, राजीव गांधी खेल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध पूछा गया है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो भाई हुआ ये राणा शांगा के बीच और इसके बाद बाबर के बीच, जो हुआ 1527 में। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था पीके चले घर, यानी पानीपत 26 के, यानी खानवा, मैं इसको लिखे दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पीके चले घर यानी पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 28, घाघरा 29, इस प्रकार से इसकी एक क्रम मैंने बना दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तीसरा गोलमेज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई भाई, तो 1932 को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैग से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 148 है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे दूर कर सकते, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहां पर है, तो भाई डल झील में है, यानी डल लेक में है, श्रीनगर J&K। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, एक पहाड़ी पूछी गई, तो आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सारी पहाड़ियां पढ़ लेनी है, पटकोई हिल्स पढ़ लेनी है, गारो खासी जयंतिया पढ़ लेना है, तो नॉर्थ ईस्ट से ब्लू माउंटेन वगैरह है जो, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, नॉर्थ ईस्ट की सारी पहाड़ियां आप अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बुक का नाम थोड़ा इंग्लिश में था तो बच्चे इसको बता नहीं पा रहे हैं सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ, तो इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है वो बैंगलोर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां हुआ, तो गुवाहाटी में हुआ है, खेलो इंडिया गेम्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हाईलाइटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ वाटर में कैसे होती है, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोनेंट उसमें होते हैं जिसके कारण उसको जल को कठोर कर देते हैं। नेक्स्ट कारण है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की खोज किसने करी, यानी कोशिका की खोज किसने करी है, तो रॉबर्ट हुक। पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था साइटोलॉजी, इसमें पूछा गया इसकी खोज किसने करी, तो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, पूरे क्वेश्चनों को पढ़ें और उसके अपने नोट्स बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड कौन सा व्यक्ति नहीं था, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन था भगत सिंह का, जो भगत सिंह इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि भगत सिंह तो बहुत बाद के हैं और ये 1857 का वॉर है, इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटकोई बूम्स कहां स्थित है, ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां आप पढ़ जाइएगा, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन, ये इसकी पहाड़ियां भी आप पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील कहां पर है, तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजेआई किस क्रम के हैं, तो सीजेआई जो हमारे 47वें क्रम के हैं, जिनका नाम है सरिद अरविंद बोबड़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस की जो खोज किसने करी, तो लैंड स्टीनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, लैंड स्टीनर और पोलियो वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो लैंड स्टीनर का है इसका, ये ब्लड से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के प्रेसिडेंट पूछा गया है, या इसका गोटाबाया राजपक्षे, ये भी आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के सारे पीएम एंड प्रेसिडेंट पढ़ करके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो फिर यहां पर जो
हम देख रहे हैं जो एनालिसिस हम लोगों ने करी है, तो करंट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं इसके लिखने के बावजूद भी, और अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड हो चाहे वो खेल का अवार्ड हो। तो अवार्ड वाले एग्जाम में क्वेश्चन आप देख करके जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू क्लास वेरी मच।